और वहां के लोगों को दिखाओ कारोबार कैसे किया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं जरा सी, वो लोग उनका काम क्यों चल रहा होता है, हमारा नुकसान क्यों हो रहा होता है। मैंने एक स्वेटर पहना 50 पाउंड का मार्क्स एंड स्पेंसर से, ठीक, 6 महीने पहन के मैंने कहा यार तो सर्दियां आ गई और पाकिस्तान में कौन पहनेगा, इसको वापस कर देता हूं, 6 महीने पहन के वापस कर देता हूं। मैं गया और गया जाके वॉलमार्ट, गया जाके मार्क्स एंड स्पेंसर ढूंढी और ये बोरी, गया मैं, यू नो आई डोंट लाइक दिस स्वेटर एनी मोर, व्हेन डिड यू बाय इट, आई डोंट रिमेंबर, सर डू यू हैव अ रिसीट, नो आई डोंट हैव अ रिसीट, ओके नो प्रॉब्लम, सर टेल मी व्हाट डू यू वांट, डू यू वांट अ रिफंड और डू यू वांट एन एक्सचेंज, आई'ड रादर हैव अ रिफंड, ठीक है, 50 पाउंड लिए उससे जेब में डाले और अब बाहर निकल रहा हूँ, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, यार कैसा फुद्दू लगाया इसको, हाँ ठीक है जी, ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, अच्छा अब इधर आ जाओ, कराची आ जाओ, कराची आ जाओ। तो अब मैं अपनी दुकान पर बैठा हूँ तारिक रोड पर, एक बाल साहब आ गए खरीद फरोख्त करने के लिए मेरे पास। अब मैंने इनको देखा था इधर ICMA के प्रोग्राम के अंदर, मैं तो देखते ही पहचान गया इनको, ठीक है जी, आइए आइए आइए, एक बाल साहब, मैंने कहा एक मोटी असामी आ रही है, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए, सर कैसी तबीयत, ठीक ठाक, आओ भाई लड़कों आओ, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं यार को 25-30 हज़ार तो खुले कराऊँ इसके, ये भी लीजिए ये भी लीजिए ये भी, अरे ये भाभी के लिए देखिए ये देखिए ये देखिए, कर करा के 8-10 बैग बना दिए इनके, 25-30-35-40 जो भी इनका करवा दिया, ये खुशी खुशी लेके चले गए। अगले दिन मैं उसी टिल पे बैठा हूं, अगर इनको मैं देखता हूं एंटर करते हुए और इनके हाथ में बैग देखता हूं, आपका क्या ख्याल है ये उन बैग्स के साथ क्यों आए हैं, बताएं जरा। देखिए आप तो इस काम को करते नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं वापस करने आए हैं, मैं तो इस काम को करता हूं, मुझे नहीं पता होगा कि ये वापस करने आए हैं। अब मुझे पता है यार ये वापस करने आए हैं, तो मैं फिर मुंह भी इधर कर लिया मैंने, इकबाल साहब आए, जी जी कौन, मैं इकबाल, जी इकबाल तो बहुत सारे हैं, आप कौन से वाले हैं जी, अच्छा हाँ हाँ ठीक है जी, काम क्या है आपको, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी इनको इनके पैसे वापस ना करूं, ठीक है जी, अब आप मेरी दुकान, और ये जाएंगे एक टूटे हुए दिल के साथ, ठीक है, कुछ पूरी कोशिश होगी इनके पैसे वापस ना करूं, अब आप मेरी दुकान का साइज देख लीजिए और आप वॉलमार्ट का साइज देख लीजिए, जहां वापस होता है, मेरे नबी का इरशाद है, तुमने कोई माल किसी को बेचा, तुमने कोई माल किसी को बेचा और बेच के वापस ले लिया, तो जन्नत के वस्त में तुम्हारे लिए एक महल की मैं जमानत देता हूं। अब आप बताओ, हाँ अब आप मुझे बताइए किसका कारोबार चलेगा, मेरा या उनका। मैं एक दुकान पर पहुंचा, यहीं पर मेरी नजर पड़ गई, खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, खैर मेरा तो इरादा नहीं था उसको वापस करने का, तो मैं उससे चीजें ले रहा था, मुझे कहा जुनैद भाई आप तबलीग में जाते हैं, जरा दुआ करिए मेरे लिए मेरा कारोबार चले। मैंने कहा चल अगर मैं कसम खा लूं अल्लाह की तेरा कारोबार चलेगा फिर। है वो कैसे, मैंने कहा ये बिल्ला उतार दे ऊपर से, कहता जी ये तो नहीं उतर सकता, मैंने कहा फिर वो भी नहीं हो सकता। हम क्या अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह पहले सब मामले ठीक कर दे फिर हम सीधे होंगे, और अल्लाह के यहां क्या है, पहले तुम खुद ठीक हो जाओ हम तुम्हारे सारे मामले ठीक कर देंगे। मैं बात खत्म करता हूं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, अरे मेरे बंदे सबको छोड़ मुझसे डर के जिंदगी गुजार, मैं तेरी हर मुश्किल